नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत है। अभी कुछ हफ्ते पहले जब पाकिस्तान की टीम जो है वनडे सीरीज खेल रही थी वेस्टइंडीज के साथ, तो उस सीरीज में बाबर आजम ने शतक लगाया और शतक लगाते ही उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा था विराट कोहली का। रिकॉर्ड ये था कि बाबर आजम बतौर कप्तान वो सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। लेकिन क्या आपको पता है, वो तो वनडे क्रिकेट की बात होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि T20 क्रिकेट में ये रिकॉर्ड किसके नाम है? आज हम आपको यही बताने वाले इस वीडियो में। दरअसल में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये रिकॉर्ड जो है बाबर आजम के ही नाम है। पहले विराट कोहली के नाम था, बाद में रोहित शर्मा के नाम हुआ और अब जो है बाबर आजम के नाम है। विराट कोहली ने 1000 रन बतौर T20 कप्तान 30 पारियों में जो उन्होंने पूरा किया था। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 29 पारियों में बतौर कप्तान 1000 रन पूरा किया, लेकिन बाबर आजम ने दोनों दिग्गजों को पछाड़ते हुए सिर्फ 26वीं पारी में जो है उन्होंने 1000 रन पूरे कर लिए। यानी बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज दोनों जगह पे जो है बाबर आजम विराट कोहली और रोहित शर्मा से तेज हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ। हमारा अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, लव यू।